नए साल की शुरुआत के साथ ही 2024 के सियासी संग्राम के सुर और तेज सुनाई देने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में रणनीतियों का दौर चल रहा है। राजनीतिक पार्टियां इस रण में उतरने की पुख्ता तैयारी कर रही हैं। सियासी सेनाओं का दमखम बता रहा है कि ये जंग इस बार जबरदस्त होने वाली है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश के और हिस्सों में भले ही ये महाजंग मानी जा रही हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की धरती पर चुनावी महाभारत होने वाला है, क्योंकि बीजेपी बंगाल के सियासी रणभूमि में ऐसे चक्रव्यूह की तैयारी कर रही है जिसे भेद पाना न सिर्फ टीएमसी बल्कि किसी भी दल के लिए मुश्किल हो सकता है। बीजेपी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर ऐसी रणनीति तैयार कर रही है जिससे पार पाना विपक्षी दलों के लिए पहाड़ साबित होने वाला है। पिछले दिनों बंगाल के दौरे पर पहुंचे बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की हर लोकसभा सीट पर अलग अलग प्रभारी नियुक्त किया है, जिसकी घोषणा बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने की। पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का 42 में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर कमल खिला था। हालांकि 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टीएमसी के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इस बार 2024 के चुनाव में पार्टी पूरा जोर लगाने में जुट गई है। पिछले दिनों जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे, वहीं आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत भी बंगाल में पहुंचे, जहां बीजेपी के साथ उनके समन्वय बैठक की भी खबरें आ रही हैं। बंगाल बीजेपी इंडिया गठबंधन में दरार को बड़ा हथियार बना सकती है। दरअसल राज्य के भीतर गठबंधन की तकरार अभी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस, माकपा और तृणमूल कांग्रेस तीनों बंगाल में एक दूसरे पर लगातार हमलावर है, जिसकी वजह से बंगाल में इंडिया गठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ममता बनर्जी ने हाल ही में ऐलान किया कि वो बंगाल में किसी पार्टी से संगठन नहीं करेंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि देश भर में बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।